सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस के तमाम दावे करे, लेकिन अधिकारी ही सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता लगा रहे हैं, यही मामला सामने आया है। यहां कई जांच ऐसी हैं जो फाइलों तक ही सिमट कर रह गई हैं, चाहे वो जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर ही क्यों ना हो। ऐसी एक जांच के निर्देश पीएमओ से एक साल पहले सामने आए थे, लेकिन ये जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस स्टेशन में खड़ी ये कबाड़ बस, भले ही ये बस आम बसों की तरह नजर आए, लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी जानकर बेहद हैरानी होगी। दरअसल गाड़ी नंबर UP30A6145 सिटी बस है, जिसका 29 नवंबर 2016 को दून ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा। इतना ही नहीं, CPO देहरादून ने 1 दिसंबर को फिर इस बस का चालान काटा। इस बस के साथ चालान काटने का ये सिलसिला इतने में भी नहीं थमा। इस बस का चालान एक बार फिर 26 दिसंबर 2016 को काटा गया। बस की चालान कॉपी में लिखा था कि इसके DL RC चालान में गए हैं, लेकिन इतने में भी शांत नहीं हुआ। इस बस का चौथी बार भी चालान काटा गया, और वो भी दिसंबर महीने की ही 30 तारीख को। यानी पुलिस महकमे ने यातायात नियमों का पालन करवाने को लेकर इतनी सजगता दिखाई कि एक ही बस का एक महीने के भीतर 3 बार चालान काटा गया। एक महीने के अंदर मेरे 4 चालान हो गए हैं, 2016 में, और ये 2018 भी हो गया है। 2 साल 1 महीना हो चुका है और मेरी गाड़ी सीज हो रखी है पुलिस लाइन में। अब ये मुझे नहीं पता कि एक महीने के अंदर 4 चालान पुलिस ने किस द्वेष भावना के कारण किए हैं, और इन चालानों को अगर जोड़ा जाए तो 50-60 हज़ार के आसपास होता है, जो कि मेरे बस में नहीं था उसको छुड़वाना, क्योंकि सिटी बस से इतनी आय नहीं हो रही है और 2 साल से मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई की सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष ने पीएमओ में शिकायत की। उनका कहना है कि NV एक्ट की धारा 206 और 207 में उत्तराखंड पुलिस के पास अधिकार नहीं है कि वो यात्री वाहनों के चालान ओवरलोडिंग में काट सके। इन दोनों धाराओं में कार्रवाई के लिए सरकार से नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, जो उत्तराखंड सरकार से आज तक नहीं हुआ। इस शिकायत पर पीएमओ ने 15 जनवरी 2018 को मुख्य सचिव उत्तराखंड को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच कर इसकी जांच रिपोर्ट सरकार के पोर्टल पर भी लोड करें, लेकिन मामले में अब तक क्या हुआ इसका किसी को कुछ पता नहीं लग सका है। RTI डाली गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने शिकायत भेजी, तो शिकायत में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है 15 जनवरी 2018 को ही जो है इसमें मुख्य सचिव को जो है पत्र भेजा गया था, उसमें इसमें कहा था कि इसमें जांच करी जाए। 23 जनवरी 2018 को मुझे पत्र दिया गया कि उसमें कहा गया कि हमने ये जांच जो है प्रमुख गृह सचिव को भेज दिया। जब जांच में कुछ विलंब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि जांच है कहां, तो मेरे द्वारा जो है सितंबर में जो है फिर मैंने जो एक फिर सूचना के अधिकार का सहारा लेकर मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव की RTI डाली गई कि भाई प्रधानमंत्री के जो जांच के आदेश हुए थे उसमें क्या कार्रवाई हुई। तो उसमें मुझे मुख्य सचिव द्वारा तो बताया गया कि हमने 23 जनवरी 2018 को ही जो है मुख्य प्रमुख गृह सचिव को हमने जो है ये जांच के आदेश दे दिए गए थे। प्रमुख गृह सचिव के यहाँ से मुझे बताया गया कि ये जांच जो है हमारे पास ये जांच पत्र आया नहीं। बहरहाल सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस के लाख दावे कर रही हो, ऐसे में इस मामले में बस मालिक का अपनी सरकार से उम्मीद बांधना कि उसके साथ भी इंसाफ होगा जायज है, लेकिन इसे अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली मानो कि प्रशासनिक अधिकारियों पर पीएमओ के आदेशों का भी असर नहीं पड़ता। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, TV24।